क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी जानते हो जो बिल्कुल भी सच नहीं है, जैसे कि सूरज का रंग पीला नहीं है, सूरज पर आग नहीं है। ये जो आप साईफाई मूवीज में देखते हो कि स्पेसशिप में एक्सप्लोजन हो गया, वो ब्लास्ट हो गया, ये एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो आपको एस्ट्रॉइड्स के खतरनाक बेस्ट दिखाए जाते हैं मूवीज में कि इनसे टकरा के स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया, बट एक्चुअल में इनमें से तो एक छोटा बच्चा भी अपना स्पेसशिप निकाल कर ले जाए। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो अपने सोलर सिस्टम की, ये भी एक झूठ है, क्योंकि अपना सोलर सिस्टम ऐसा है ही नहीं। तो इससे पहले कि तुम सोचने लगो कि मैं पागल हो गया हूँ और बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ और तुम वीडियो छोड़कर भाग जाओ, तो ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तुम यही कहोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सूरज का असली रंग ना पीला है और ना ही ऑरेंज। और ये जो तस्वीर आप देखते हो ना सूरज की, तो सूरज ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखता है। अब इससे पहले कि आप कुछ कहो, तो पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो, बेसिकली सूरज एक स्टार है और हर स्टार के टेम्परेचर के हिसाब से उसका अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम होता है और हर अलग अलग कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो अपने सूरज का जो टेम्परेचर है और उसकी जो वेवलेंथ है, वो ग्रीन कलर के काफी ज्यादा नजदीक है। और अगर तुम नंगी आंखों से मेरा मतलब है बिना किसी गोगल के सूरज को देखोगे, तो ये आपको सफेद रंग का दिखाई देगा, क्योंकि इसकी रोशनी ही इतनी ज्यादा होती है। और शाम और सुबह के समय अपने अलग एंगल की वजह से ये आपको डार्क रेड या फिर ऑरेंज दिखाई देता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई, अगर सूरज का असली रंग हरा है तो ये हमको हरा क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वायुमंडल, जिसकी वजह से हमको सूरज का असली रंग दिखाई नहीं देता। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर आप सूरज का असली रंग देख सकते हो, और वो जगह है एंटार्क्टिका। यहाँ पर सूरज हरे रंग का दिखाई देता है। और अगर सूरज का असली रंग पीला होता तो इसकी वेवलेंथ अलग होती। इसका टेम्परेचर नॉर्मल सूरज के टेम्परेचर से 700 डिग्री सेल्सियस या करीब 800 डिग्री सेल्सियस कम होता, और इसकी वजह से हमारी धरती जम जाती और धरती पर जीवन पनप ही नहीं पाता। तो इसका मतलब है कि अभी धरती पर ये जो जीवन है, ये सूरज के परफेक्ट टेम्परेचर और धरती और सूरज के बीच की परफेक्ट दूरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अब जब बात सूरज की गर्मी की चली रही है, इसके टेम्परेचर की चल रही है, तो मैं आपको एक और मस्त फैक्ट बताता हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सूरज पर हमेशा आग जलती रहती है, जिसकी वजह से सूरज धरती को गर्मी देता है, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। सूरज पर आग नहीं जलती, और सूरज पे क्या, स्पेस में ही आग जलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जलने की प्रोसेस के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। पहला है फ्यूल और दूसरा है ऑक्सीजन। और आपको भी पता है कि स्पेस में ना हवा है और ना ही ऑक्सीजन। तो भैया, दुनिया की कोई भी चीज हो, कितना भी खतरनाक फ्यूल हो, वो स्पेस में जल नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि सूरज उस तरह से नहीं जलता जैसे कि कागज जलता है, बल्कि एक्चुअली में सूरज बेसिकली एक गैस का गोला है, जिसके अंदर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की एक प्रोसेस, जिसमें सूरज हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट करता है। और इस कन्वर्जन के दौरान प्रोड्यूस होती है गामा रेज, और ये गामा रेज एनर्जी की फॉर्म में, लाइट और टेम्परेचर की फॉर्म में धरती तक पहुंचती है। तो मतलब सूरज जो है वो ऑक्सीजन का यूज करके नहीं जलता, वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह है। तो चलो अब एक और मस्त फैक्ट बताता हूँ कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में इतनी ऑक्सीजन है ही नहीं जो सूरज को कुछ घंटों के लिए भी जलाकर रख सके। अगर सूरज नॉर्मल ऑक्सीजन का यूज करके जलना चाहे तब, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रोसेस सूरज में चल रही है ये हमेशा चलती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज के अंदर की ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी, और उस दिन सूरज का जलना बंद हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि सूरज मर जाएगा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी 5 अरब सालों तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मूवीज में ये जो स्पेसशिप के वॉर दिखाए जाते हैं, स्पेस के अंदर बड़े बड़े एक्सप्लोजर्स दिखाए जाते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भैया स्पेस में ऑक्सीजन ही नहीं है। जब सूरज ही नहीं जल पा रहा है तो ये स्पेसशिप में धमाके कहाँ से होंगे? और साथ ही साथ जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, ये बड़े बड़े एस्ट्रॉइड के बेल्ट, जिनमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड स्पेसशिप की तरफ आते हैं, स्पेसशिप से टकराते हैं और शिप तबाह हो जाता है, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक साइंस
फिक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक्चुअल में जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स होते हैं उनमें दो एस्टेरॉयड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल एस्टेरॉयड बेल्ट में दो एस्टेरॉयड के बीच की डिस्टेंस होती है 9 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब सोच रहे हो, दो एस्टेरॉयड के बीच 9 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। तो इनके बीच में से स्पेसशिप को निकालना तो बच्चों का खेल है। तो फिल्मों में ये जो दिखाया जाता है ना कि स्पेसशिप को ऐसे 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 करके उड़ा रहे हैं, ये सब एक्चुअली में होता ही नहीं है। मतलब अगर आपको भी स्पेसशिप दे दिया जाए ना तो भी आप इसे बड़े आराम से उड़ा सकते हो और आपका स्पेसशिप किसी भी एस्टेरॉयड से टकराएगा भी नहीं जब तक कि आप खुद जाके एस्टेरॉयड में ना घुस जाओ। मतलब कि तुम खुद सोच के देखो कि फिल्मों में कितना झूठ दिखाया जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आप जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम, लेकिन ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम ऐसा नहीं है, ये इतना स्टेबल नहीं है और ना ही सूरज के चारों तरफ ये सारे ग्रह ऐसे घूमते रहते हैं। एक्चुअली में अपना सोलर सिस्टम ऐसा दिखता है और ये 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमता रहता है और ये मिल्की वे का चक्कर लगाता है। हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 230 मिलियन साल का समय लगता है। मतलब सोच रहे हो, अपना सोलर सिस्टम 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है और आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो जिन लोगों की शिकायत रहती है कि हम लोग हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते, तो उनको ये फैक्ट बताना कि तुम घर में बैठे बैठे भी 220 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम लेते हो, वो तो तुमको पता नहीं चलता, ये अलग बात है। तो चलो अब आपका एक और मिथ दूर कर देते हैं। आपने बचपन से सुना है कि सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारे सौरमंडल का कोई भी ग्रह सूरज का चक्कर नहीं लगाता, ये एक सेंटर का चक्कर लगाते हैं जिसका नाम है बेरी सेंटर। अब हर प्लैनेट के लिए सेंटर पॉइंट अलग अलग होता है। धरती के लिए जो सेंटर पॉइंट है ये सूरज के सेंटर से बिल्कुल करीब है, इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन अगर बात की जाए जुपिटर की, तो जुपिटर के लिए जो सेंटर है बेरी सेंटर, ये सन के सेंटर से 55,000 किलोमीटर दूर है, इसलिए सारे प्लैनेट्स अलग अलग पाथ में रोटेट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमारी धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, ये जैसा कि आपको दिखाया जाता है, जैसा आपको ग्लोब में बताया जाता है, हमारी धरती ऐसी बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक्चुअली में हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती है, ये एक इररेगुलरली शेप इलिप्सॉइड है। तो आई थिंक अब तो आपके स्पेस रिलेटेड बहुत सारे मिथ क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि बचपन से आपको ब्रह्मांड के बारे में ये जो चीजें बताई गई हैं ये झूठ है, आपको पता चल गया होगा कि ये मूवीज वाले हमको कितना उल्लू बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई स्पेस की, लेकिन क्या आपको पता है हमारी धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है और ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ इसी पर्वत पर रहते हैं। लेकिन आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है कि कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया, चाहे वो कितना ही बड़ा हाइकर हो, और ना ही कोई इसके रहस्य को सुलझा पाया है, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो। और क्या आपको पता है, इस पर्वत पर एक दिन एक महीने के बराबर होता है। यहाँ पर लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है, लोग बहुत जल्दी यहाँ पर बूढ़े होते हैं, उनके बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि लोगों को खुद यकीन नहीं आता। तो जानिए कैलाश पर्वत के उन रहस्यों को जो आज भी सबसे छुपे हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।